आज मैंने अपनी पहली पेमेंट पायोनियर के थ्रू रिसीव की है। ये मुझे ईमेल भी आई हुई है उनकी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इनकी ईमेल आई है मुझे। ये उन इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो पायोनियर के बारे में नहीं जानते और ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। पायोनियर एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है पेपाल का। पेपाल क्योंकि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से आप पायोनियर पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। पायोनियर के ज़रिए आप पूरी दुनिया में कहीं भी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है पेमेंट बनाने रिसीव करने का, ऑनलाइन अर्निंग की पेमेंट रिसीव करने का सबसे आसान तरीका है। पायोनियर का अकाउंट आप पायोनियर की वेबसाइट पर जाकर बना सकते हैं। मैं नीचे लिंक भी शेयर कर दूँगा। तो इसमें जो सब पेमेंट जब रिसीव होती है तो सबसे पहले ये ईमेल करते हैं कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है। आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट करें। अगर आपने इमीडिएट पे पेमेंट रिसीव करनी है या स्टैंडर्ड मेथड के साथ पेमेंट रिसीव करनी है। अगर आप स्टैंडर्ड मेथड के साथ पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं होते। जैसे कि अगर आप इमीडिएट के साथ पेमेंट रिसीव करते हैं तो 2 घंटे में आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं $5 इसके चार्जेस होते हैं। लिहाजा मैंने स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया है क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है अपने पैसे निकलवाने की। $5 मैं क्यों ऐसे ही फ्री में ज़ाया करूं, तो इस वजह से मैंने स्टैंडर्ड मेथड यूज़ किया है। इसके तकरीबन 24 से 48 घंटे लगेंगे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने के लिए। तो ये बेहतरीन पेपाल का अल्टरनेटिव है। अगर आप कोई भी यूज़ करना चाहता है इसे, तो ये बेहतरीन अल्टरनेटिव है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये एक दफ़ा आप साइन अप कर लेंगे तो आपको मास्टर कार्ड भेजा जाएगा पायोनियर की तरफ से आपके घर पे। उसके बाद आप उसे एक्टिवेट करें, ऑनलाइन ही एक्टिवेशन हो जाती है जो कि बहुत ईजी है। और ये इन्फो लिंक्स का अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा एक्टिवेटेड है, जिससे मैंने पेमेंट रिसीव की है। तो ये बिल्कुल इजी है, सबसे इजी है। और आप पाकिस्तान में इजीली अपनी एटीएम मशीन जो मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करती हो उसके ज़रिए आप अपनी पेमेंट निकलवा सकेंगे। एक दफ़ा जब आपके अकाउंट पायोनियर अकाउंट में पैसे आ गए, उसके बाद कोई मेरे ख्याल से $1.5 या $2 चार्जेस हैं एक दफ़ा ट्रांजेक्शन के। तो ये देख रहे हैं लास्ट पेमेंट उन्होंने मुझे ये भेज दी है और ये इतनी ही रिसीव होगी। हाँ, एक चीज़ और बताना यहाँ ज़रूरी है कि पायोनियर में जब आप पहली दफ़ा पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपके $30 जो हैं वो कट जाएंगे। वो इस वजह से क्योंकि पायोनियर जो आपको सर्विस दे रहा है, मास्टर कार्ड भेजता है, इसके लिए वो $30 चार्ज करता है। लेकिन चार्ज करता है तब जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। फर्स्ट टाइम वो ये सब कुछ फ्री में ही तैयार होता है, कार्ड भी आपके घर पर फ्री में आ जाता है, एक्टिवेट भी हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि पेमेंट मेथड जो है वो पायोनियर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो पायोनियर यूज़ करें, मैं यही रिकमेंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिए।